आगरा के ताजगंज में स्थित दाऊ जी महाराज श्री खाटू श्याम मंदिर कटरा जोगीदास में 6 अप्रैल गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर एक भव्य फूल बंगला एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी कमेटी के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी गई। श्री दाऊ जी महाराज ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू गोयल उर्फ बिक्की ने जानकारी देते हुए बताया, कटरा जोगीदास स्थित दाऊ जी महाराज मंदिर पर दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड और शाम को आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान संस्था के सभी सदस्यों और पदाधिकारी द्वारा एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान अरुण जैन संरक्षक, महामंत्री अंकित जैन, प्रवीण अग्रवाल, मुरारी लाल अग्रवाल, अश्विनी वशिष्ठ, संस्था के सचिव मयंक अग्रवाल, पंडित पिंटू पुजारी, राजेश गुप्ता, टिंकू वर्मा, विशाल बंसल आदि लोग मौजूद रहे। राजू गोयल है। दाऊ जी महाराज मंदिर में प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता? जी प्रेस वार्ता 6 तारीख को दिन गुरुवार को होने जा रहे सुंदरकांड का पाठ श्री हनुमान जन्मोत्सव पर उसके अंदर उसमें रखी गई है। उस लिए उस दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मंडली द्वारा सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। भव्य खाटू श्याम बाबाई के आलौकिक श्रृंगार का हुआ है उसके अंदर, और श्री बालाजी महाराज जी के दरबार का भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया है। भक्तों को क्या मैसेज रहेगा? तमाम भक्त हैं हनुमान जी है। बाबा की इस ये काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसमें क्या है, काफ़ी भक्तों को जनसरा जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। श्री पिंटू पुजारी जी दाऊ जी मंदिर की यहाँ सेवा करते हैं, और दिनांक 6 अप्रैल श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भव्य फूल बंगला एवं संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन रखा गया, एवं श्री खाटू श्याम जी का भव्य श्रृंगार, श्री बालाजी महाराज का भी भव्य श्रृंगार। और हमारी प्रार्थना है श्री दाऊ जी महाराज एवं सभी देवी देवताओं से कि जो भक्त दूर दूर से दर्शनार्थी इस मंदिर में आते हैं, उनकी कामना श्री दाऊ जी महाराज, खाटू श्याम जी सभी की पूरी करते हैं। और हमारी सभी भक्तों से निवेदन है कि वो दूर दूर से आएँ और इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य भागी बने और प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। केस मुरारी अग्रवाल। ये मंदिर 250 से 300 साल पुराना है, और जब मुगलों का ताजमहल बना था तो उससे पहले इसका निर्माण हुआ है, उस समय ही निर्माण हुआ है। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले कमेटी बनाई, उसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया। उसी समय से ये मंदिर चल रहा है, और इसके मंदिर से लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। दाऊ जी में इतनी शक्ति है कि सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, और बड़ी बड़ी दूर से बंसल नगर है, ताज नगरी है, वहाँ से पब्लिक दर्शन करने आती है। और जिस दिन से बाबा गाडू श्याम जी आए हैं उस दिन तो यहाँ पब्लिक का तांता लगा हुआ है। 1,000-2,000 आदमी रोज आ रहे हैं, और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। शाम को 8 बजे आरती होती है, आरती के वक्त पर भीड़ का कोई समावेश नहीं है। कितनी पब्लिक आती है उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। इसकी मंदिर की इस पर भव्य और इसकी इतनी वो लोगों को आस्था बढ़ गई है कि पब्लिक काफ़ी तादाद में मंदिर में आ रही है और इसके दर्शन से लाभ उठा रही है।